अस्सलामु अलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ख़ास वीडियो जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी और मैंने पहली बार ट्राई किया है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप तक भी इसको शेयर करूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटा ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी और आप देख सकेंगे हमारी हर वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये है, मैंने दो कलर लिए हैं जो कि आप पहले ही देख चुके हैं, ब्राउन एंड वाइट, जो कि मैंने मिक्स करके थोड़ा सा हल्का करके, ब्राउन कलर को थोड़ा हल्का करके मैंने डिज़ाइन के किनारे किनारे कलर किया हुआ है। आप देख सकते हैं हल्का स्किन कलर में है, जो कि ब्राउन और वाइट कलर का मिक्स करके मैंने लगाया हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो रुक गई थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, अपने आप ही बंद हो गई थी। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको अगला रोज़ दूसरा रोज़ कलर करके बताऊँगी किस तरह से करना है। इसमें वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाई थी या फिर बीच से ही बंद हो गई, कुछ पता ही नहीं चला, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो मैं दूसरा रोज़ आपको कलर करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें तीन कलर लिए हुए हैं, डार्क पिंक कलर और वाइट कलर, पर्पल कलर, तीन कलर का मैंने यूज़ किया है, और जिसमें मैंने पर्पल कलर और वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रोज़ बहुत ही कलर करने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सिर्फ हमें इसमें फिनिशिंग लाना है, कलर करके फिनिशिंग लाना है। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, करने के बाद बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये मैं आपको कली करके बता रही हूँ, ये नीचे से मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है, इसी में हम डार्क पिंक कलर थोड़ा सा लगा देंगे और ऊपर से ये वाइट कलर का हल्का सा मिक्स करेंगे, जिससे कलर लाइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है, जिससे अच्छी सी फिनिशिंग आए। फिर किनारे वही हमें डार्क कलर का लगाना है, थोड़ा सा पर्पल कलर करके, और ये हमें रोज़ को इस तरह दिखाना है कि लीफ उल्टी सी है, तो उसमें हम वाइट कलर का लगाएंगे। अभी हाँ, मैं डार्क कलर लगा रही हूँ, उसके ऊपर वाइट कलर लगाऊंगी, पर्पल कलर एंड वाइट कलर, इसको भी हम इस तरह से अच्छे से मिला के लगाएंगे। मैं भी ये ट्राई कर रही हूँ, सोचा आप तक, आप लोग को भी शेयर करूँ, आप लोग भी देख सकें। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने कैसी पेंटिंग की है, कैसा कलर किया है। पहली बार किया है मैंने, ट्राई कर रही हूँ मैं भी, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी पेंटिंग, मैंने नेट पे ही इसको देखा है यूट्यूब पे, और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा दिल हुआ क्यों ना मैं बनाऊं। और जब बनाने लगी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको शेयर करूं, आप भी देख सकें कि मैं किस तरह से बना रही हूं और कैसी बनी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा कलर किया मैंने, कैसी पेंटिंग है। और फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे कर रही हूँ,
पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत ठीक ना रहने की वजह से मेरा चैनल बहुत पीछे हो गया है, मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, मेरे व्यूवर्स कम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और घंटा तो ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर वीडियो को। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटा दबाएं और अपने फ्रेंड्स में, अपने पेरेंट्स में हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिसे हमारा चैनल बहुत पीछे हो गया है वो फिर से वापस उसी जगह पे आ जाए जहाँ वो पहले था। तो फ्रेंड्स मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट आप ज़रूर एक्सेप्ट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइबर के पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री में हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर में हमारे वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं लीफ बना रही हूँ, आपको तो मैं कई बार लीफ बनाना बताई हूँ, इसमें भी बना रही हूँ मैं, और जिसमें मैंने वही ग्रीन कलर लिया हुआ है और डार्क ब्लू कलर लिया हुआ है, जो कि ग्रीन कलर में मिक्स करके मैंने पूरी लीफ को भरा हुआ है। भरने के बाद मैंने ये वाइट कलर का हल्का सा ऊपर से लगाया हुआ है, जिससे हमारी लीफ हल्की सी मुड़ी सी दिख रही है, प्यारी लग रही है। तो इसी तरह से हम सारी लीफ को पेंट करेंगे, कलर करेंगे, अच्छे तरह बनाएंगे। इसी तरह से हमें सारी लीफ कलर करना है। Thank you.
फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने तीनों कलर लिया हुआ है और उसको दिखाया भी है। पर्पल कलर है, डार्क पिंक कलर है, वाइट कलर है। तो इस तरह से मैं रोज़ बना रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें रोज़ को बनाना है। मैंने तो ट्राई किया, मुझसे बन गया। आप भी ट्राई करिए, आपसे इंशाल्लाह आप भी बना लेंगे। और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, बहुत अच्छी है। डिज़ाइन तो मैंने अपने हिसाब से किया है, सिर्फ मैंने पेंटिंग देखी हुई है। पेंटिंग में देखने के मुताबिक ही कर रही हूँ, जैसा मैं देखी हूँ वैसे ही बना रही हूँ। और मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है और इंशाल्लाह आपको भी प्यारी लगेगी। आप भी ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स फिर आऊँगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।